नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस वक्त हम मुमरा रेलवे स्टेशन के एम गेट के पास है, जहाँ पे स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक स्वच्छता ऐप को लोगों को डाउनलोड करने को कहा गया। ये कार्यक्रम थाने महानगर पालिका की तरफ से किया गया है, जिसमें जो आसपास का जो मुमरा शहर है उसको साफ सफाई हो, किस तरीके से वहाँ पे जो भी आपके गलियों में कचरा नज़र आता है वो आप इस ऐप के ज़रिए आप उस कचरा सफाई की शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर थाने महानगर पालिका उस कचरे को साफ करेगी। आज हमारे साथ में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर मनीष जोशी साहब मौजूद है। सर, आज ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया उसके बारे में बताइए। आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित करा गया है, तो सबसे पहले तो मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्षा किरणी मैडम उन्होंने आज का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारे साथ पाठपुरावा किया, फॉलोअप किया। बेसिकली आज का ये जो कार्यक्रम है वो जो स्वच्छता ऐप जो डाउनलोड करना है उस डाउनलोड के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे जो शिक्षण विभाग की शिक्षण अधिकारी मैडम है, उन्होंने सारे स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके आज सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को यहाँ आमंत्रित किया ताकि ये स्वच्छता ऐप डाउनलोड की जाए। शिक्षण विभाग का रोल ऐसा है कि शिक्षण विभाग के माध्यम से हम मुमरा के तमाम नागरिक, उनके पेरेंट्स, बच्चे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए आज आप जैसे देख रहे हैं कि आज इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स, मेरे ख्याल से एक स्वच्छता ऐप डाउनलोड कार्यक्रम के लिए थाना में भी नहीं हुआ जितना कि रिस्पॉन्स आज यहाँ मिला है। मुझे अभिमान है इस बात बोलने में कि अभी तक जो 32,000 ऐप डाउनलोड हुए हैं उसमें मुमरा ने 7,500 ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, और जो बाकी का जो 8,000 का टारगेट है, इंशाल्लाह 8,000 भी मुमरा ही करेगा, ऐसे मुझे आत्मविश्वास है। ऐसा है कि अभी जो डाउनलोड के जरिए जो शिकायत दर्ज करी थी उसमें कितनी जल्दी उसमें कार्रवाई होगी? देखिए, डाउनलोड करो ये कहना तो बहुत आसान है, लोगों ने ऐप भी डाउनलोड कर दिए, लेकिन हमारे जो तमाम जो मुमरा के हमारे नागरिक हैं वो जब कंप्लेंट्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, स्थानीय नगर सेवक के पास जाते हैं। शानू भाई मेरे बाजू में खड़े हैं, उनके पास जाते हैं, कंटिन्यूस उन्हें फ़ोन करते हैं। वो तो बोलते हैं कि साहब मेरा फ़ोन तो 24 घंटे चालू है, मैं तो नागरिकों के लिए है, लेकिन एक मर्यादा होती है ना। तो इसीलिए हम एक ऐसा माध्यम हमने तैयार किया है जिससे कि नागरिक थेट डिपार्टमेंट को तकरार कर सकता है, और ये जो तकरार का जो निराकरण है ये विदिन 24 आवर्स आपकी कंप्लेंट का सॉल्व होगी। जैसे आप अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं, वैसे मुमरा शहर के आपका घर नहीं है, मुमरा शहर भी आपका घर है ना। तो जैसे घर की साफ़ सफाई, वैसे मेरे मुमरा शहर की साफ़ सफाई। मुमरा वासियों ने अभी तक इतना सहकार्य अगर ऐप डाउनलोड में किया है तो ये दो चीज़ें जो हैं उसमें भी हमें सहकार्य 100% मिलेगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। TMC के तहत जो सर्वेक्षण चल रहा है ऐप डाउनलोड करने का, अगर वो ऐप डाउन करने का एक टारगेट रखा गया था कुछ 40,000 के करीब, प्रभाग समिति अध्यक्ष ये नाते से सारे नगर सेवक को लेके ये सफाई अभियान ऐप डाउनलोड करने का प्रोग्राम अगर आप थोड़ा बढ़ावा देती है तो ये प्रोग्राम सक्सेस हो सकता है। तो हमारे नगर सेवकों ने सभी तय किया कि हम इसको बढ़ावा देते हैं, और आज वो लगभग सक्सेस हो गया। जो जो व्यक्ति ऐप डाउनलोड करेगी वो रजिस्टर हो जाएगी, मतलब वो बाकायदा रजिस्टर, वो कहीं पे भी अगर वो फोटो क्लिक करके कंप्लेंट रजिस्टर करती है तो उसके ऊपर TMC 12 घंटे में कार्रवाई करेगी। 40,000 का जो टारगेट था मुमरा वासियों ने, मुमरा के टीचर्स ने, यहाँ के पेरेंट्स ने, लगभग 7,500 से आज के इस मॉप को देखें तो 7,500 से 8,000 का आंकड़ा जो है तो पार किया है, और सफलता ये मिल गई। अब इसमें दूसरी जो सफलता है कि पहले ऐसा होता था कि आपको अगर किसी साफ़ सफाई के ताल्लुक से कोई कंप्लेंट करना है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, फिर वो ऑफिसर को देना है, फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर्स या हाजिरी पेटी पे जो मुकदम है उनको जा के मिलना है, और फिर वो आज आता हूँ कल आता हूँ, इस तरह की बातें सारी चीज़ें होती, उसमें आपकी कंप्लेंट जो है तो वक्त पे अटेंड नहीं होती थी। इस ऐप को देकर गवर्नमेंट ने एक ऐसी सहूलत जो है तो पब्लिक को दी है कि आप अपनी शिकायत जो है
वो कंप्लेंट इसमें दर्ज कराएं, एक फ़ोटो निकाल के भेज दें, एक सेकंड में वो फ़ोटो थाना कॉरपोरेशन के पोर्टल पे जाएगा और वो 3 घंटे से 24 घंटे के बीच में, कुछ तकरार जो है तो 12 घंटे के बीच में, कुछ 24 घंटे के बीच में आपको वो दूर कर दी जाएगी। और इसके लिए पब्लिक को बहुत बड़ी एक फैसिलिटी जो है तो गवर्नमेंट ने दी है, मैं समझता हूँ कि उसका सबने फ़ायदा उठाना चाहिए। इस ऐप को हमेशा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट ऐसा है कि 1 जनवरी से 4 जनवरी से स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम से पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है, जिसमें साफ़ सुथरे शहरों को 1, 2, 3 नंबर ऐसा दिया जाएगा। उस कंपटीशन के कुछ अलग अलग हिस्से हैं, जैसे आपके रास्तों की कैसे साफ़ सफाई है, आपके यहाँ कचरा उठाने का प्रोसीजर कैसा है, आपके यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे हैं, आपके यहाँ तारीफ सहूलियात जो हैं वो आप किस तरह से देते हैं, ये सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि पब्लिक का फीडबैक भी हमको मिलना है। जैसे स्कूल में बच्चों का होता है कि साइंस का पर्चा, मराठी का पर्चा, इंग्लिश का पर्चा, ज्योग्राफी का पर्चा, ऐसे ही ये कंपटीशन में अलग अलग पर्चे होंगे। उसमें से ऐसा समझ लीजिए कि एक पर्चा स्वच्छता ऐप का है, इस ऐप पे 200 मार्क मिलने वाले हैं। जिस तरीके से थाना सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उसी तरह मुमरा शहर को भी स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। इस तरीके का यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम में कहा कि अपने शहर को, अपने इलाके को अगर साफ रखना है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने घरों से की जाए। जिस तरीके से यहाँ पे पूरे थाने महानगर पालिका में इस ऐप्स को डाउनलोड करने के 40,000 का टारगेट दिया गया है, वही 32,000 कम्प्लीट हो चुके हैं और 8,000 बाकी है। लेकिन मुमरा शहर से 7,500 के आसपास यहाँ के लोगों ने इस ऐप्स को डाउनलोड किया है। अब देखना यह है कि जो साफ़ सफाई के ताल्लुक से मुमरा शहर का जो हाल है उसमें ये ऐप्स कितना कामयाब होता है। और यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इसके ज़रिए यहाँ पे जो शिकायत दर्ज की जाएगी और फौरन 24 घंटे के अंदर यहाँ पे वो कचरा और गंदगी साफ़ की जाएगी, उसमें कहाँ तक सफाई कर्मचारी और यहाँ के जो सफाई इंचार्ज है उसमें कहाँ तक साफ कामयाब होते हैं। और ये डाउनलोड भी जो जिस तरीके से ये ऐप्स यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से किया गया, उसमें कितनी उसमें उसको कामयाबी मिलती है और मुमरा शहर कितना स्मार्ट बनता है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।